हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सूरज, स्वागत करता हूँ मिस्टर ब्राइट चैनल में। एंड गाइस, बात करने वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। करंट मार्केट प्राइस देखे तो 35 के करीबन चल रहा है और आज जो है लगभग जो है 9% के करीबन गिरा। ठीक है, लो की बात करें तो 34.80 है और हाई की बात करें तो हाई जो है 37.10 का था। ठीक है, तो शुरुआत से ही ऐसा लगा कि पहले तो गैप डाउन से ऑन हुआ और उसके बाद जो है लगातार सेलिंग और पैनिक जोन के क्रिएट होने के बाद यहाँ पे जो है लगातार शेयर में गिरावट नजर आई। ठीक है, तो गाइज काफी लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी उठाई है और डिलीवरी में भी काफी परचेजिंग हुई है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट में लेकर चलूंगा तो सबसे ज्यादा आज जो है यूनियन बैंक में ही डिलीवरी में परचेजिंग हुई है। ठीक है, और जो मतलब परसेंटेज है डिलीवरी टू ट्रेडेड वॉल्यूम का वो 54 है। तो गाइज काफी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग हुई है इस शेयर में। तो अगर आप लोग बाइंग ढूंढ रहे हैं या बोल रहे हैं कि कब से जो है यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए या फिर क्या टारगेट्स हैं इसके, तो टारगेट्स तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो है बाइंग मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा और गिरने दीजिए। थर्सडे के बाद आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वेडनेसडे, कल कल जो है वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को मेरे को लगता है थोड़ा सा गिरावट और आ सकती है मार्केट में, और थर्सडे को भी गिरावट आ सकती है। सो आपको जो है शेयर्स वीकली एक्सपायरी के कारण गिरते हुए नजर आएंगे और ये शेयर और गिर सकता है। तो मैं कहूंगा कि थर्सडे को या फिर आप शाम को ले लीजिए स्टॉक, या फिर आप जो क्या कहते हैं मंडे से आप लोग स्टॉक को बाइंग कीजिएगा। ठीक है, तो यूनियन बैंक काफी नीचे पहुंच गया है, 34 या 33.50 एक अच्छा बाइंग लेवल होगा, जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ से जो है फिर जितना डिप आ गया है उसके बाद जो है एक अपसाइड मूव लेगा। लेकिन अभी जो है फिलहाल बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी तक कितना गिरता है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, मे बी ये 30 तक भी गिर जाए, तो वो तो आपको एक्सपायरी तक वेट करने की राय दूंगा, उसके बाद जो है बाइंग आप लोग देखिएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग समझ गए। एंड काफी क्वांटिटी में बाइंग हुई है। मार्केट डेप देखिए तो मार्केट डेप में भी लोगों ने काफी क्वांटिटी उठाई है, 26,000 के करीबन यहाँ पे इस प्राइस रेंज में क्वांटिटी उठाई है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइज यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है जो कि सिर्फ 500 मंथली में आपको फुल एनालिसिस करके देगा। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मैं जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इंट्राडे की टिप्स दूंगा डेली, वो भी एक दिन पहले, मतलब आज जैसे ट्रेडिंग डे है तो उससे एक दिन पहले आपको आपके स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और 1 वीक के लिए भी, मतलब थर्सडे को शाम को मैं आपको 5 स्टॉक्स दूंगा 1 वीक के लिए, जो कि आपको टारगेट के साथ, एसएल के साथ मिलेंगे। एंड अगर जो है यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो इंट्राडे प्रिफर नहीं करते हैं, जो मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि काम रहता है उनका, या फिर कुछ भी कारण हो जिस वजह से इंट्राडे में इतना मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको वीकली जो शेयर्स हैं वो दे दूंगा। तो कई न्यू लोग भी जुड़े हैं कोरोना काल में जिनको ट्रेडिंग के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, तो वो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं एंड हम जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ेंगे, या आपकी स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा।